सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश के हालातों का जायजा लेने के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसा करने वाला पंजाब पहला ऐसा राज्य बना है। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगले आदेश तक कर्फ्यू का ऐलान किया। पहले सरकार ने पूरे प्रदेश को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 22 पहुंच गई है। सोमवार को मोहाली में एक और महिला के कोरोना संक्रमण की पुष्टि आई। ये महिला फेज 5 की रहने वाली थी। वहीं सरकार ने घोषणा की कि प्रदेश में IAS अफसर अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे ताकि प्रदेश में संक्रमित लोगों की मदद की जा सके और व्यवस्था बेहतर हो। राज्य सरकार की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि पंजाब में 203 संदिग्ध मामलों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 160 लोग नेगेटिव पाए गए। 22 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। दो दिन पहला असी ऐलान किया सी कि पूरे अपने पंजाब दे विच एक लॉकडाउन रहेगा और कुछ असी फसूलता अपने लोगों वास्ते अनाउंस कीतियां सी कि तुसी फलानी चीज़ कर सकते हो या कुछ खरीदना चाहो या बाजार जाना चाहो करो। लेकिन आज सवेरे की खबर जो आ रही है कि लोग ऐसे ही पंजाब चल रहा जैसे पहला चल रहा सी, लोग जिहड़ी लॉकडाउन नूं कुछ समझते नहीं, बाहर आ रहे ने और जो चीज़ां असी इजाजत दिती है उस तो अलावा बह के गल्लां करदे ने या ऐसे ही घूम रहे ने जैसे मोहल्लियां दे विच या अपने मंडियां दे विच, ये नहीं होनी चाहिए। इहदे नाल तां हालात साडे होर बिगड़नगे। तुहानूं पता है पूरे हिंदू दुनिया दे विच किस किस्म दे हालात बने हुए ने। चीन दी पता नहीं किन्ने हज़ार लोग मर गए, यूरोप च मर रहे ने रोज़, अज 700 तां इटली च मरे ने। इस किस्म दी चीज़ असी पंजाब च नहीं चाहुंदे। इस करके मैं अज फैसला कीता है कि इस लॉकडाउन नूं सफल करन लई सानूं कर्फ्यू रखना पऊ। पुलिस नूं हदायत कीती है कि लोगों नूं बाहर नहीं इजाजत देनी आउण दी और घूमण दी। अगर किसी नूं जाना होए किसी कारण तो तुसी डिप्टी कमिश्नर नूं अपने आप नूं कॉन्टैक्ट करो। वो हर ज़िले दे विच डिप्टी कमिश्नर एक नाम एक नंबर देंगे, उस नंबर ते तुसी गल करो, उन्हां नूं दसो तुसी कित्थे जाना, तुहानूं इजाजत मिलेगी। ये पंजाब नूं कल्ले कल्ले बंदे नूं कल्ले कल्ले मेरे भैन नूं और मेरे वीर नूं इकट्ठा होना पऊ। एक प्रबंध आपां नूं करना पऊ सारे नूं रल के, सरकार नूं, आम साढ़े जो पंजाबी रहिंदे ने या जो भी पुलिस फोर्स है जो भी है, सानू ये लड़ाई अपनी जान की लड़ाई समझ के लड़नी पऊ। सानू आपां अपने बच्चों नूं बचाउणा है, अपने सूबे नूं बचाउणा है। तां ही मैनू ये कड़ा कदम चकना पिया। मैं आस करदा है कि तुसीं इहदे नाल इस कदम च मेरा साथ दोगे और अपने अपने घर च रहोगे। हथ धो, तुहानू दस्या होया बार बार हथ धो, बार बार तुसी किसी नूं इहो जिहे बंदे नूं ना मिलो जिते जिहड़ा बाहरों आया होए। और ये मैनूं करना पिया, मैं तुहानूं ये भी कारण दसदा कि पिछले 10 दिनां च 40,000 पंजाबी बाहरले मुल्कां तों जिथे ये करोना वायरस चल रही है उत्थों दिल्ली पालम एयरपोर्ट च पहुँच के उत्थों दे पंजाब दे विच आया। हुण पता नहीं किहनूं इहदी इनफैक्शन है, किहनूं इहदी इनफैक्शन नहीं है। इस करके ये जरूरी है कि तुसीं उन्हां जिहड़े बंदे आए ने उन्हां तों दूर रहो, वो भी अपने सैल्फ क्वारंटीन दे विच रहन। अगर उन्होंने कोई यही जी शिकायत आती है कोई जुकाम दी या गला खराब दी या कोई बदन दर्द दी या कोई बुखार दी, अपने डॉक्टर नूं मिलो। साडी सरकारी महकमे हर वेले हर घर दे विच जा रहे ने, साडे लोग पुछ रहे ने जो कुछ है, साडे डॉक्टर, साडे CMO। मैं समा पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा धन्यवादी हाँ जिस तरीके नाल ये काम कर रहे ने। सारी पंजाब सरकार इस ते तुड़ी हुई है, डिप्टी कमिश्नर तो लेके नीचे तक उन्होंने सारे अफसरान सारे उन्होंने मुलाजम बिल्कुल इस काम च लगे ने। उन्हों का भी मैं धन्यवादी हूँ और सारे पंजाब का जो मेरे आखे लग के इस गल सिरे चढ़ावे कि ये बीमारी साढ़े पंजाब के सूबे तो दूर रहे।